हेलो फ्रेंड्स, प्रियास फूड लैब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक यूनिक स्नैक की रेसिपी। ये दिखने में जितना मस्त है, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी है। ये मेरे घर में तो बहुत ही पसंद है सबको, आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगा। और सबसे अच्छी बात, इसे हम बनाएंगे सिर्फ 15 मिनट में। ये चटपटा नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बॉइल्ड आलू, 1 बारीक कट किया हुआ प्याज, 1/4 कप मटर, बारीक कट 3-4 हरी मिर्च, 3-4 करी पत्ते और थोड़े से धनिया पत्ते। तो चलिए मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही फटाफट बन जाता है ये। सबसे पहले एक पैन में 2 टीस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होते ही डाल देंगे आधी चम्मच राई। राई अच्छे से फूट जाए उसके बाद डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, साथ ही डाल देंगे हरी मिर्च और करी पत्ता, थोड़ी सी अदरक की पेस्ट। अदरक को हल्का सा पका लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए और डाल देंगे प्याज। यहाँ पे साथ ही डाल देंगे नमक, इससे हमारे प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और डाल देते थोड़ी सी हल्दी। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके प्याज को सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे प्याज अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। मसाले में मैं यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम मसालों को प्याज के साथ 1-2 मिनट तक भून लेंगे। मसाले प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब डाल देंगे मटर। मैं यहाँ पे फ्रोजन मटर यूज कर रही हूँ, तो ये ऑलरेडी बॉइल्ड होते हैं तो इसे कुक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश मटर यूज कर रहे हो तो उसे अच्छे से कुक कर लीजिए। साथ ही डाल देंगे आलू। ये 2 मीडियम साइज के आलू को मैंने बॉइल करके मैश कर लिया था। और डाल देंगे हरे धनिया। बस अब इन सारी चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते समय आलू को इस तरीके से तोड़ते जाएंगे जिससे आलू का कोई भी बड़ा पीस इसमें ना रहे। तो देखिए यहाँ पे आलू एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस। और नींबू के रस को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हो गया हमारा मसाला रेडी। है ना एकदम इजी। अब चलते हैं अगली प्रोसेस में। तो अब हमें बेसन का गोल बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बोल में 4 टेबल स्पून बेसन लिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। यहाँ पे नमक थोड़ा संभाल के डालना क्योंकि हमने मसाले में भी नमक डाला था। और साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इस तरीके से हाथों से क्रश करते हुए डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका थिक बैटर बनाएंगे। और अराउंड 2 मिनट तक गोल को इसी तरीके से व्हिप कर लेंगे जिससे बैटर थोड़ा फ्लफी हो जाए। ये देखिए हमें बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। ये ना ही एकदम पतला है ना ही बहुत गाढ़ा है। अब हम करेंगे मसाले को ब्रेड पे असेंबल। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड को ऐसे राउंड शेप में कट कर लिया है। ये बस मैंने इसीलिए कट किया है क्योंकि देखने में अच्छा लगता है। आप इसे ट्रायंगल भी कट कर सकते हैं, कोई भी आपके मनपसंद शेप में कट कर सकते हो। और चाहो तो आप इसे बिना कट किए ब्रेड की पूरी स्लाइस पे भी बना सकते हो। अब हम इस तरीके से मसाले को ब्रेड के ऊपर लगा देंगे और लगाते समय मसाले को हल्का सा प्रेस करते जाएंगे जिससे सेकते समय मसाला निकल ना जाए। ये देखिए यहाँ पे हमने पूरी ब्रेड पे एकदम अच्छे से मसाला लगा लिया। तो इसी तरीके से हम बाकी की ब्रेड पे भी लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने सभी ब्रेड को मसाला लगा के रेडी कर ली है। तो अब इस पे लगाएंगे बेसन का गोल। ये देखिए थोड़े से बेसन के गोल को ऐसे सेंटर में रखेंगे और हल्के हाथों से पूरी ब्रेड पे फैला देंगे। यहाँ पे हमें बहुत थिक लेयर नहीं लगानी है, पतली पतली लेयर ही लगाएंगे। और साथ ही मैंने तवा भी गर्म करने रख दिया है। यहाँ पे मैं 2 ब्रेड को ही एक बार में तवे पे सेक पाऊंगी क्योंकि मेरा तवा थोड़ा छोटे साइज का है। तो इसलिए मैं बस 2 ब्रेड पे ही बेसन का गोल लगाऊंगी। जब ये सेक के रेडी हो जाएगा तब मैं दूसरे 2 ब्रेड पे गोल लगा दूंगी। एक साथ सारे ब्रेड पे गोल लगा के रखेंगे ना तो ब्रेड के सौगी होने के चांसेस हो जाते हैं।
यहाँ पे हमारा पैन गरम हो गया है तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को पैन पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और डाल देंगे हमारी रेडी की हुई ब्रेड। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जिस साइड हमने बेसन लगाया है वो साइड को हम नीचे की साइड रखेंगे। अब हम इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। यहाँ पे हम ब्रेड पे घी, बटर या ऑयल कुछ भी लगा देंगे और इसे फ्लिप कर देंगे। दूसरी साइड भी इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये देखिए यहाँ पे बेसन एकदम अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पे मुझे बेसन वाली साइड और भी थोड़ी क्रिस्पी चाहिए तो हम इसे फिर से बेसन वाली साइड थोड़ा सा सेक लेंगे। तो बस यहाँ पे ये रेडी है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए लग रहा है ना एकदम मस्त, और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। आइए अब इसे थोड़ा गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ग्रीन चटनी लगा रही हूँ, ऊपर आप चाहे तो टमेटो केचप भी यूज कर सकते हैं। और ऊपर से डाल देंगे बारीक कट किए टमाटर, प्याज और हरे धनिया। इससे ये देखने में बहुत ही मस्त लगेगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर एक बार बनाओगे ना तो इसे आप बार बार बना के खाना पसंद करोगे। और रेसिपी अच्छी लगी तो ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नई रेसिपी के साथ।